बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, हमारे इल्म में इजाफा कर और हमें अच्छे और बुरे की सूझबूझ अता कर। आज जो मैं मौजू लेके आई हूँ वो मौजू बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट है। ये समझे कि आपके लिए ये मेरा तजर्बा हो चुका, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें पास हूँ। मेरे अल्लाह की ख़ास करमनवाजी से मैं इसमें पास हूँ। तो मैंने जो चीज़ें नोट की थी, जो देखी थी, मैं चाह रही कि आप भी वो चीज़ें तजर्बा करके देखें कि शायद वो आप पे भी पूरी उतर सकें। मौजू ये है जी, बच्चे बच्ची का रिश्ता करना। जब आप रिश्ता करना है बच्चे बच्ची का सोचते हैं आप, सबसे पहले उसके लिए आपने लड़की का भी जहन पहले तैयार करना है कि हम आपकी शादी के लिए सोच रहे हैं कि हम कोई रिश्ता देखें कि आया बच्चे बच्ची कोई आपके पसंद तो नहीं है। अगर आपको कोई पसंद है तो बेटे हमें बता दें, ठीक है। बेटे को भी पूछें, बेटी से भी पूछें। अगर वो कहते हैं नहीं, ये आप ही करेंगे, हम आपकी पसंद से करना चाहते हैं, फिर आपने कदम उठाना है, ठीक है। कदम आपने इस तरह से उठाना है कि जब आपने रिश्ता करना है, अगर आपको रिश्ते वाली कोई रिश्ता करवा रही है तो फिर तो आपने हर कदम फूंक फूंक के उठाना, यानी कि उसको सोच भाल के उसके लिए आपने हर तरह से उसको पूरा परखना, यानी कि देखना भालना है, ठीक है। अगर कोई आपके जानने वाली करवा रही है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि जो ये आपसे धोखा नहीं होगा। आपने सबसे पहले जिस घर में रिश्ता देखने जाना है आज जाके पहले उनके आसपास के लोगों से ज़रूर मेल जोल रखें। बात कोई ना पूछे उनके बारे में कि ये कैसे लोग हैं कैसे नहीं, ये कभी गलती नहीं करनी आपने। रिश्ता आपका वहाँ पक्का भी हो जाए आपने नहीं उनसे पूछना कि ये लोग कैसे हैं, इसलिए कि वो आप तो कह देंगे पूछ लेंगे मगर वो लाजमी उनको बता देते हैं कि ये जी हमसे आपके बारे में पूछ रहे थे। उनके वो गिल्टी आ जाती है दिल में कि ये इन्होंने हमारे पे एतमाद नहीं था कि ये हमारी पूछ किछ कर रहे हैं। आपने रिश्ता जाना देखने जाने से पहले आपने सबसे पहले देखना है, अगर तो वो औरत जिसकी बेटी आप लेने जा रहे हैं, जब जिसको बेटा देने जा रहे हैं या बेटी लेने जा रहे हैं या बेटे के लिए लेने जा रहे हैं रिश्ता, दोनों को ये देखना आपने कि अगर तो वो लड़की की माँ जो है अपने खामद की इज्जत रिस्पेक्ट कर रही है कि उसे पूछ के बात कर रही है आपसे कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, अगर उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, उसकी पूछ किछ घर में है, तो फिर आप उसको एग्री कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रिश्ता हो सकता है। आजकल जो रिश्ता करते हैं वो तो नानियों तक जाते हैं कि लड़की की नानी पहले देखें कि उसकी नानी अगर अक्लमंद होगी तो लाजमी उसकी माँ भी अक्लमंद होगी, अगर माँ अक्लमंद होगी तो उसने लाजमी अपनी बेटी को भी मैनर्स दिए होंगे ज़रूर कि बेटे आपने उस घर में किस तरह एडजस्ट होना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है आप जाएं और आप माहौल देखें वहाँ का, उनका जो टेबल सजी होती है वो भी आप ज़रूर नोट करें। उसमें ज़्यादातर चीज़ें अगर जो लड़की देखने जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपने देखनी हैं कि घर की बनी होनी चाहिए। बाजार की तो हर कोई उठा के ले आता है कि लड़की को खाने से कोई इंटरेस्ट भी है कि हमने तो वो लानी है कि जो लड़के का, यानी कि बाहर के खाने तो नहीं खिलाने ना। वो कहते हैं ना कि लड़की को लड़के के मैदे में से गुजर के जाकर उसके दिल तक जाना पड़ता है। तो ये पहली बात तो ये थी। आजकल के जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि हर चीज़ हमें बाहर से मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। आपने घर गृहस्थी देखनी, उनकी रख रखाव देखना है, वो लड़की कैसे पेश खा रही है जाके आगे चीज़, उसका रख रखाव क्या है, वो आपको एक मिनट में, आँख वाले लोग एक मिनट में जज कर लेते हैं। आपने जज करना है, उसके बाद आपने लड़की से ज़रूर बातें करनी है, बोलना चलना उससे बातें करनी है, उसका बिहेवियर देखना है कि वो किस तरह से अपने बहन भाइयों को डील कर रही है, अपने माँ बाप के साथ कैसे वो अटैच है, और ये चीज़ें सारी आपने देखनी है, ठीक है। और उसके बाद आप उन लड़के को भी देखें कि लड़के का जो जिससे शादी कर रहे हैं को आया उसके दोस्त नहीं बहुत ज़्यादा कहीं बाहर, अगर उसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं बाहर तो फिर उन दोस्तों से ज़रूर गायब गाय कोई अपना ऐसा लड़का भेजें कि वो उस लड़के से दोस्ती करे और उसके थोड़ा सा अंदर घुस के वो उसके माहौल के बारे में पूछे, वो किस सोसाइटी में बैठता है, कैसी कंपनी में वो बैठता है, कि वो उस लड़के का चाल चलन क्या है। ये चीज़ें वो होती है, ये छोटी छोटी हैं मगर शादी करने से पहले ना कहते ना बाहर में क्या तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, तो ऐसा नहीं करना। पहले होश में आना, पहले सोच समझ के
और रिश्ता आपने करना है और उसके बाद आपने गाहे बगाहे उनके गाय बताए बगैर जाना, अचानक जाना, बताना नहीं उनको कि हम आ रहे हैं, यही कहना कि हम इधर आए थे बाजार तो अम्मी को या भाई को या अबू को बाहर की चीज़ें मना की डॉक्टर ने, हमने कहा चलो आपके घर से पानी पी लेते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, इसलिए हम इधर से गुजर रहे थे तो आज आपके घर अचानक आ गए, सॉरी बताए बगैर आ गए हैं, तो ये आपने मदद कर लेनी क्योंकि उनका असल माहौल भी देखना है। उस वक्त तो बनावटी चीज़ें बहुत सारी आगे आ जाती हैं, आपने असल माहौल भी देखना है। गाय गाय उनका किचन ज़रूर चेक करना, आपने लड़की का रूम ज़रूर चेक करना है, आपने ये भी देखना है कि आया जाया कि वो कंजूस तो नहीं है कहीं, खुदा ना खास्ता कल को सखी होंगे तो वो एक एक नवाला भी छोड़ेंगे ना तो बच्ची का पेट भर जाता, जो पैसे पहले कहते थे कि बड़ी फैमिली में करो ताकि उसके ना एक एक नवाला भी घर वाले छोड़ेंगे तो वो बच्ची का पेट भर जाएगा। दूसरी बात ये आपने देखनी है ज़रूर कि जो लड़की की वालदा है क्या वो अपने ससुराल वालों के साथ रह रही है या कभी रहती रही है, कोई 10-12-15-10-2-4 साल उसने गुजारे उनके साथ ससुराल वालों के साथ कि जाके आया आते ही वो अलहदा हो गई है। अगर ऐसा भी है तब भी वहाँ रिश्ता ना करना, जो माँ में चीज़ होती है वो लाजमी मेरे से लिखवा लें कि वो बेटी में चीज़ आती है। आपने ये ज़रूर चीज़ मेरी नोट करनी है, इसको भूलना नहीं आपने, कि ज़रूर पूछना है कि आप सास ससुरा के साथ रही हैं, कोशिश करें कि वो साथ ही रह रहे हों, बल्कि अगर वो साथ नहीं रह रहे हो रहे कब अलहदा हुई हैं और कितने साल उनके साथ रही हैं, ये चीज़ आपने ज़रूर अपने पल्ले बांध लेनी है क्योंकि वो वहीं से आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि माँ का क्या बिहेव था, आगे लड़की हमारे साथ क्या करने वाली है। ठीक है, इसी तरह लड़के की भी सारी आपने सैलरी से लेकर उसकी यहाँ तक कि लोग तो चेक कर लेते उसकी बच्चे की सन्नत भी कि आया जितना पढ़ा हुआ बता रहा है इतना है भी है, आया कि इसने यही तो नहीं जो कमा रहा है बाहर दोस्तों को लुटाई जा रहा है अपने को, तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं मगर इनको आपने नोट ज़रूर करना कि रिश्ता करने से पहले आपने अच्छी तरह परखना, फिर उनको 3 माह को 6 माह का टाइम देना है, आना जाना रखना एक दूसरे के घर ताकि वो सारी चीज़ें आपको खुल के सामने आ जाएंगी, उसके बाद आप शादी करें इंशाल्लाह, बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ें। अमीरी गरीबी ना देखें कि इनकी महल नहीं है, हम बहुत अमीर हैं और ये हमारे बराबर के नहीं, ऐसा ना देखें, उनका दिल देखें, उनकी अपना इखलाक देखें, उनकी यानी कि रेपुटेशन देखें, आसपास से पता करें कि वो किस तरह के लोग हैं। ठीक है, बाकी आप इंशाल्लाह रिश्ता करें, अल्लाह की मदद से इस्तखारा ज़रूर कराएं और वो अल्लाह की रज़ा होती है इसमें भी, अल्लाह की रज़ा लेनी चाहिए, इस्तखारा से कोशिश करें कि अपनी बेटी से करवाएं, अपनी बेटी को कहें कि इस्तखारा आयत सूरत पढ़े, पढ़ने के बाद वो रात को सोए उसको अच्छी चीज़ नज़र आए, मेरा मतलब ग्रीन चीज़ नज़र आए, वाइट चीज़ नज़र आए, तो वो समझे कि आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पर आप आँखें बंद करके अल्लाह की सुपुर्द करके रिश्ता तय कर सकती हैं। ठीक है, यही चीज़ें देखनी होती है, बाकी अमीरी गरीबी ना देखें, सीरत सूरत ना देखें, बाज़ लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं मगर वो आपके काम नहीं आती, बाज़ लड़के लड़के की सूरत तो बिल्कुल नहीं देखनी, लड़के की सूरत कोई भी नहीं देखता, इसलिए उसकी तो पॉकेट देखी जाती है, उसकी आपने इनकम देखनी, इनकम क्या है और उसका घर अपना है कि नहीं, ये भी ना देखें, घर भी बाज़ इतनी खुश नसीब लड़कियाँ होती हैं कि बिल्कुल कंगाल होते हैं आप, वो आते ही आपको माला माल कर देती हैं, इतने अच्छे लकी नसीब होते हैं उनके, और बाद ऐसी होती है खुदा ना खास्ता जो आपके पास होता है वो भी चला जाता है, तो अल्लाह ताला आपको नेक लोगों से वास्ता डाले, अच्छे लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह से डरने वाले वो ज़रूर हों, वो ऐसे लोग ना हों कि जिनको किसी की परवाह ही ना हो, जिनके 4 रिश्तेदार भी आने जाने वाले हों उनके घर में रिश्ता करना, आपने आपने शो शानी देखनी कि ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये बड़े ये हैं तो वो हैं, ये इनकी बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी मिलें हैं, ये चीज़ें नहीं आपने नोट करनी, आपने चीज़ें देखनी उनका इखलाक और उनका बिहेव, उनका दिल देखना कि वो खुले दिल के हैं या जाके कंजूस हैं, पकड़ पकड़ा के इधर से चलो जी कर दिया, ऐसा काम नहीं देखना, कल को वही चीज़ लड़की में आती हैं, वही चीज़ें लड़के में आती हैं, ये दोनों के लिए आप लड़के को भी इसी तरह परखना जिस तरह लड़की को परखना है। ठीक है, हाँ घर का उनको कहना घर की चीज़ हमें जी हमारे लड़के को घर का खाना पसंद है, बेशक थोड़ी देर के लिए वो कहती हैं योली कुक लेने आए जी, मुझे खुद कहा गया था, मैं जहाँ रिश्ता करने गई थी मुझे भी कहा गया था कि आप लड़की के लिए कुक तो नहीं कहीं ढूंढ रही, मैंने कहा हाँ जी मुझे कुक की भी ज़रूरत है, ज़ाहिर सी बात है बाजार के खाने नहीं खाने के लायक, इसलिए कुक भी होनी चाहिए, मैं वहाँ रिश्ता मैंने नहीं किया था कि उनको खुद को शायद इतनी सेंस नहीं थी कि ज़ाहिर सी बात है लड़का अब बीवी किस लिए आती है, कि अगर उसने बाज़ार के धक्के खाने हैं होता कभी कभार बंदा खा लेता है, इसमें कोई कसम नहीं है, खाए हफ्ते में खाएँ
उसके बाद खाना औरत को घर में अपने खामद को अच्छा साफ सुथरे हाथों से साफ सुथरा धो धुला के फिर पकाए ताकि उसको पता चले कि खामद की रिस्पेक्ट क्या है। ओके जी, इंशाल्लाह अमर की दुनिया में आज सीरियस ही बातें थी, कोई हंसी मजाक नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो मैं अभी बनाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें हंसी मजाक भी होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।